क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो सकता है आपके बच्चे के लिए एकदम हेल्दी और क्विक लंच जो कि आप उसको स्कूल में दे सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये पनीर का पैकेट है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पैटी, जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए भी एक ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें ये पनीर है मेरे पास, तो अब इस पनीर को मैं इस पनीर को मैं कद्दूकस करूँगी तो इसके साथ। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, हम इसको बारीक नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से होगा तो इसमें बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ये थोड़ा सा बारीक हिस्सा होता है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़े वाले हिस्से से कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पनीर जो है इस तरीके से हमने जो है कद्दूकस कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से क्रश कर दिया है। तो अब जो है हम इसके अंदर वेजीज डालेंगे। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड में बहुत सारी वेजीज कटी हुई हैं, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर, और ये मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न थे तो इसको मैंने गर्म पानी में जो है वो डाल के भिगो के रखा था, तो इस तरीके से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार जो है नमक जो है वो डाल दिया है, और ये देखिए इसके अंदर मैं ये मसाले डालूंगी, जिसके अंदर ये वाला जो है ये है रेड चिली पाउडर, ये थोड़ा सा ऑरेगानो है, और ये जो है चाट मसाला है, और ये है गरम मसाला। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर जो है वो हो गया रेडी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। आप चाहे तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, या आपके पास और भी कोई वेजिटेबल्स है जैसे चुकंदर हो गया जो कि सैलड की तरह डलता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये रही हमारी ब्रेड, जिसमें मैंने बटर लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बटर इसमें अच्छे से लगा दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से मिलती है यहाँ पे, वंडर की ब्रेड जो कि होल व्हीट ब्रेड होती है। तो अब इसके अंदर बस मैं ये मिक्सचर को लगाऊंगी और इसको मैं टोस्टर में लगा दूंगी। देखिए ये मैंने ब्रेड देखिए इसमें इसके अंदर लगा दी है अच्छे से, इस तरीके से हमारा टोस्टर है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो अब ये देखिए इसमें रेड कलर की लाइट आ रही है, जैसे ही इसमें ग्रीन कलर की लाइट आएगी तो हमारे टोस्ट हो जाएंगे एकदम रेडी। और इसको हम लंच बॉक्स में पैक करके और साथ में आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ईजी रेसिपी है कि ये 2 मिनट, ये जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसको गर्म होने में, ये मोस्ट रेडली 1 मिनट से 2 मिनट लेगा बस, और हमारे टोस्ट रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये देखिए इस तरीके से ये हो गया है, अब इसे बंद कर देते हैं। अच्छे सैंडविच बने, बस गेन सैंडविच को ही आपने लंच बॉक्स के अंदर डाला है, और देखिए वाओ। ये देखिए हो गया आपके सैंडविच एकदम रेडी, और इसको इसी को ही हम लंच बॉक्स में भी पैक करेंगे, किड्स लंच बॉक्स में। तो ये आप भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, किड्स भी खा सकते हैं, तो इसको मैं लंच बॉक्स में ही पैक करूंगी। ये हमारा किड्स लंच बॉक्स हो गया एकदम रेडी, अब इसको हम बंद कर देते हैं। और ये देखिए डन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।